एक ही लक्ष्य है कि जो भी सांसद आवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको उजागर कर रहा है, निकम्मेपन को उजागर कर रहा है, उसकी डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज कर रहा है, उसे निलंबित कर दो। आज एक बेहद बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है मणिपुर, जो मणिपुर से हैवानियत भरी, बर्बरता भरी वीडियोज और फोटोग्राफ सामने आ रही है, उससे मुझे लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे एक कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक जवान, एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करी, आज उसकी धर्म पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से परेड कराया गया और छेड़छाड़ करी गई, उनके साथ कुकर्म किया गया, वो बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो करी लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे अभद्र दृश्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा, और इसलिए हम कहना चाहते हैं विपक्ष की मांग क्या है, हम सब साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात हो। देश के संसद के मॉनसून सत्र में जो कि अभी सेशन चल रहा है, उस सेशन में अगर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, उन्होंने कल बयान भी दिया कि हम दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्षी बाधा उत्पन्न कर रहा है। विपक्ष तो लगातार नोटिसेस दर्ज कराकर अपनी बात रख रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत बहस कराइए, सरकार बहस शुरू करे, अपना पक्ष रखे, फिर विपक्ष अपना पक्ष रखे, तमाम सदस्य बोले और इस विचार विमर्श, इस बहस से जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज दुख की बात है कि दुनिया के कई बड़े देशों की जो संसद है, यूएस की संसद कह लीजिए और अन्य देशों की संसद कह लीजिए, वो संसद मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर है, वो चर्चा करना चाह रही है, दुनिया के कई संसद भवनों में इस पर चर्चा हो भी गई है, लेकिन हमारे भारत देश का ही संसद है जिसमें मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है ये मैं पूछना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं बार बार कि मणिपुर का विषय मात्र मणिपुर का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्र सुरक्षा का विषय है। आज के अखबार ही हमें बताते हैं कि मणिपुर में जो आग लगी थी उसकी छींटे आज आसपास के राज्यों पर भी आने लगी हैं। आज सुबह की जानकारी है कि मिजोरम के अंदर भी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ वायलेंस की घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां से उन्हें हिदायतें दी जा रही हैं कि आप मिजोरम छोड़कर चले जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि यह अब विषय सिर्फ मणिपुर का नहीं रहा, ये एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट का मसला बनता जा रहा है। इसीलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि संज्ञान ले। सदन में डेकोरम और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं जो राज्यसभा के सभापति हैं, कल उन्होंने कहा उससे हम समझौता नहीं कर सकते, सभी सदस्यों को सवाल उठाने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, जो संजय सिंह नहीं कर रहे थे, उनका ये कहना था। जब जब सदन में विपक्ष जनता की आवाज उठाना चाहता है, ज्वलंत मुद्दे पर बहस चाहता है और सरकार वो बहस से भागती है, तो इसी प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये अरुण जेटली साहब, उस समय के राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, और सुषमा स्वराज जी, उस समय की लोकसभा की विपक्ष के नेता, उन्होंने ये बात कही थी कि इस प्रकार से विरोध दर्ज करा के सदन को ना चलने देना भी संसद को और देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े विद्वान, बड़े नेता, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का कथन है। मैं बीजेपी के लोगों को ये कथन दिखाना चाहूंगा, पढ़ाना चाहूंगा। ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विपक्ष तो सर्टन शायद फैक्ट छुपाना चाह रहा है, इसलिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है और सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। कि मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर केवल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ही नहीं हुआ है, केवल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही नहीं हुआ है, मणिपुर के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमैनिटी भी हो गया है। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों से, केंद्र सरकार से, कि भारत के संविधान का पालन करें, आर्टिकल 355 और 356 लागू करें, और मणिपुर के गवर्नर के आह्वान पे जो रोज चैनल पर आकर खुद कह रही हैं, अखबारों के माध्यम से कह रही हैं, इंटरव्यू देकर कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लो, तुरंत प्रभाव से एन बीरेन सिंह की भाजपा राज्य की मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगना चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए, आर्टिकल 356 का पालन होना चाहिए। इस मुद्दे पे पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट का प्लान है। जी, आम आदमी पार्टी आज देश भर में हमारी तमाम इकाइयां देश के कोने कोने में मणिपुर के लोगों की आवाज उठाएंगी और प्रयास करेंगी कि मणिपुर के लोगों की चीखें
सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक पहुंचे। एक अंतिम सवाल, आप संजय सिंह अब सस्पेंड हो चुके आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी एक एक वोट जुटाने की कोशिश कर रही है अध्यादेश के मुद्दे पर, अगर वो बिल के रूप में आता है क्या रणनीति रहेगी? नहीं देखिए, हम सबसे पहले तो प्रयास करेंगे चेयरमैन साहब से मिलकर कि चेयरमैन साहब आप हम सबके आदरणीय हैं, हमारी लड़ाई कोई चेयरमैन से तो है नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी की लड़ाई हमसे है, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। तो हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल ही डिस्पैशनेटली और पूरी स्वतंत्रता से इस विषय को फिर से देखें, इस पर पुनर्विचार करें और संजय सिंह की जो सदस्यता को आप लोगों ने निलंबित किया है, उनको सस्पेंड किया है, उसे वापस लें। मैं मांग रही हूं कि आप लोगों ने मिलने के लिए, हमने कल भी जब उनको सस्पेंड किया गया उसके 5-7 मिनट बाद ही उनके चेंबर में जाकर उनसे बैठक करी, लगभग मुझे लगता है 25-30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनके कमरे में मौजूद थे, अन्य राजनीतिक दलों के एमपीज मौजूद थे, और सिर्फ मैंने नहीं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से आता हूं, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि आप इस पर पुनर्विचार करते हुए अपने इस निलंबन को रिवोक करें, और अगर आपको कोई सजा देनी है किसी सदस्य को तो एक दिन की सजा दे दीजिए, दो दिन की सजा दे दीजिए, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करना उचित नहीं है। ये हमने हाथ जोड़कर विनती करी है, हम उम्मीद करेंगे कि वे अपने फैसले पर फिर से एक बार विचार करेंगे।